आरएसएस और बीजेपी के लोग हमारे मुल्क का आईन, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आईन ख़त्म करके मनुस्मृति लागू कराने के लिए एकदम बजिद हैं, और उसके लिए पूरी ताकत से उन्होंने बहुत सारी कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें दो बड़ी कार्रवाइयाँ हैं, ये CA NRC और NPR का कानून लाना और रिजर्वेशन ख़त्म करने के लिए जो साजिश वो कर रहे हैं SC ST OBCs की जी। तो इन दोनों की इस साजिश को जब लोगों ने पहचान लिया और लोग पीसफुल तरीके से, अब 2 महीने से ज़्यादा एकदम पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट चल रहे थे, और ये 23 तारीख को जब रिजर्वेशन के खिलाफ भी हमारी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रिजर्वेशन में अपने SC ST OBC भाइयों के लिए प्रोटेस्ट जारी किया, और उस प्रोटेस्ट से डरकर RSS ने, और दूसरी एक वजह मुझे और भी समझ में आती है इसकी, कि शायद जो RSS के अंदर अपनी फूट और जो सत्ता की राजनीति चल रही है, जो अपने आप को सबसे बड़ा लीडर साबित करने की जो लड़ाई चल रही है, उसके पस मंज़र में भी कपिल मिश्रा साहब को वहाँ पे ट्रक भर के, और हमारे पास वीडियो मौजूद हैं कंप्लेंट्स जो लोग की गई हैं, ट्रकों में पत्थर भर के हथियारबंद लोगों को कपिल मिश्रा साहब लेके वहाँ पहुँचते हैं, और बाकायदा प्लानिंग से DCP उनके साथ खड़े होते हैं, और पुलिस की प्रोटेक्शन में जाके उन्होंने वहाँ पे पहले धमकियाँ दी और उसके बाद हमला करवाया, ना सिर्फ SC OBC के लोगों के ऊपर बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोगों पर भी। उसकी कंप्लेंट्स की गई हैं SC ST Act में भी, और जो आतंकवाद की, क्योंकि ये गतिविधि सीधे सीधे आतंकवाद की घटना है, इसमें बमों का भी इस्तेमाल हुआ है, गोलियों के अलावा कपिल मिश्रा साहब के साथियों ने बमों का भी इस्तेमाल किया है, उसकी भी वीडियो चारों तरफ मौजूद हैं। तो जो बमों से हमला कर सकते हैं RSS के लोग कपिल मिश्रा साहब की लीडरशिप में, पहली चीज़ तो यह है कि उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए पूरी ध्यान से। दूसरा ये कि ये आस्पेक्ट भी इन्वेस्टिगेशन करने का है कि उन्होंने ये टाइमिंग ही क्यों चुनी, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भारत में आए तो वही एग्जैक्ट टाइमिंग क्यों चुनी कपिल मिश्रा ने, ये बगैर हाईएस्ट लेवल से जो उनके राजनीतिक आका हैं या जो उनके मेंटर्स हैं उनकी इजाज़त के बगैर, ट्रंप के इस दौरे के दौरान वो हरगिज इतना बड़ा हमला, इतनी बड़ी आतंकवाद की घटना नहीं कर सकते थे, जबकि उन्हें हाईएस्ट लेवल से इस बात के लिए डायरेक्शन ना दी गई हो कि ऐसा करना है। तो BJP के अंदर, RSS के अंदर ऐसी क्या उथल पुथल हो रही है जिससे ट्रंप का ये दौरा फेल कराने के लिए और उसको भारत की छवि बिगाड़ने के लिए भी एक तरह से देखा जाए तो ये कपिल मिश्रा ने हमला किया है अपने आतंकवादी दूसरे साथियों के साथ। तो दोनों आस्पेक्ट्स पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन इसमें सबसे पहली ज़रूरत इस बात की है कि कपिल मिश्रा साहब को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनसे ये सारी जानकारियाँ हासिल की जाएँ, क्योंकि इस वक्त RSS के वो सभी लोग जो इस कपिल मिश्रा साहब को भेजने में और इस साजिश में शामिल हैं अपने सबूत मिटा रहे होंगे बहुत तेज़ी से। तो हमें इस बात की ज़रूरत है कि सरकार इसमें तुरंत FIR दर्ज करे। अभी तो एक BJP के सांसद ने भी एक बात बोली है, चाहे वो BJP के हैं, लेकिन गंभीर साहब ने एक बात बोली है कि उनको कपिल मिश्रा जी को तुरंत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तो मैं उनकी भी तारीफ करता हूं, लेकिन उनको अरेस्ट करके NIA के हवाले करना चाहिए। और ये सबूत क्या, कोई ये इंटरनेशनल साजिश के तहत कपिल मिश्रा ने ये किया है और इसमें कौन कौन शामिल हैं भारत की छवि धूमिल करने के लिए और इस प्रकार का माहौल एक दिल्ली में बनाने के लिए कौन कौन लोग शामिल हैं, ख़ास तौर पर ट्रंप की यात्रा के दौरान, इसके लिए NIA को इन्वेस्टिगेशन कर रही है तुरंत।